अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने दुनिया में बहुत सारे पोस्ट ऑफिस पोस्ट बॉक्स देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुंदर में 10 मीटर गहराई में एक पोस्ट बॉक्स मौजूद है? आइए जानते हैं इसके बारे में दिलचस्प हकाइक। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक BTV इंफोटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से बाखबर रहें। दुनिया की अकवाम में जापानी लोग बहुत दिलचस्प काम करने के आदी हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने समुंदर के नीचे लेटर बॉक्स लगाकर किया है। जापान के साहिली शहर सोसामी बे में समुंदर की तह में एक लेटर बॉक्स लगाया गया है और इसे 2002 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। ये लेटर बॉक्स जेरे समुंदर 10 मीटर की गहराई में मौजूद है। सुनामी वे जापान में माहीगीरों का एक छोटा सा कस्बा है जहां की आबादी तकरीबन 5000 के करीब है। ये लेटर बॉक्स 1999 में लगाया गया था और इसका मकसद कदीम कमानोकोडो यात्रा को फरोग देना था। कमानोकोडो जापान के मुकद्दस मकामात में शामिल किए जाने वाले इलाके 3 मकामात में हैं। जापान के लोग इन मकामात की जियारत के लिए सफ़र करते हैं और 2004 में इन्हें यूनेस्को की फहरिस्त में भी शामिल किया गया था। इस लेटर बॉक्स को लगाने का मरकजी ख्याल 70 साला तोशीहिको मात्सुमोटो का था, जो उस वक्त इस कस्बे का पोस्टमास्टर था। ये लेटर बॉक्स साल में 1000 से 1500 खतूत वसूल करता है। इस डाक को निकालने के लिए एक डाकिया जेरे समंदर जाता है। यहाँ की डाक को वाटरप्रूफ थैलियों में रख कर महफूज किया जाता है और इस पर खसूसी अंडर वाटर स्टैम्प भी इस्तेमाल की जाती है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ये दिए गए पतों पर आसानी पहुंच सके। चूंकि समुद्री पानी की वजह से लेटर बॉक्स का लोहा मुतासर होता है, लिहाजा इसे हर 2 साल के बाद तब्दील किया जाता है।